आज मैं रिव्यू नहीं करने आया हूँ, आज आपको कुछ अलग चीज़ बनाते हैं। चलो तो आज ये बात करेंगे कौन सी बाइक आपको किसके लिए, मतलब कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो शुरुआत क्लासिक से ही करते हैं, सबसे पॉपुलर बाइक है वैसे बुलेट और क्लासिक। ये दो बाइक ऐसी है जो कोई भी ले सकता है। जैसे अगर आप सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, गांव खेड़ों में रहते हैं, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये क्लासिक 350। वैसे ये बाइक सब जगह चली जाती है और फेमिलियर मैन है तो भी आप क्लासिक 350 और बुलेट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको फ़न टू राइड चाहिए तो फ़न टू राइड के लिए आपको एक तो हंटर मिल जाएगी, हंटर का बड़ा भाई आपको ये गोरिल्ला मिल जाएगा 450। बहुत ही शानदार है इसका, मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। इसके हम ये बंद हो चुकी है क्योंकि इसी का वर्जन, ये नया वर्जन ये खड़ा, ये तो पुराना वर्जन है, ठीक है। और अगर आपको खाली यूं ही फन टू राइड और संडे को घूमने जाना है, थोड़ी सी 10-12 किलोमीटर 50 किलोमीटर अच्छी सी राइड करनी है, भाभी को जय राम राम कर दीजिए, तो आपके लिए ये इंटरसेप्टर GT 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 ये सारी बाइक आपके लिए, ये भी एक फन टू राइड। और अगर आप प्योर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ये है खड़ी आपके सामने हिमालयन, ये आपको प्योर ऑफ रोडिंग टूरिंग सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी खासी बड़ी मशीन हो और इसमें आप एडवेंचर राइड कहीं भी, ये बाइक ऐसी है कि कहीं भी चली जाएगी, मतलब रोड पे तो चली जाएगी पर ये आपको पहाड़ों पे कहीं भी आप कच्चे रास्ते हो कहीं भी वहाँ इसको आप ले जा सकते हैं। इसमें खाली ये प्रॉब्लम ये आएगी कि आप सिटी राइड इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल टाइप कर पाएंगे क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस वगैरह है वो काफ़ी बड़ा है मुकाबले क्लासिक 350 के। बुलेट की बात कर रहा था तो मैं बुलेट आपके सामने खड़ी है और हंटर अभी आपको यहाँ नहीं दिख रही है तो हंटर को अपन ढूंढ के आते हैं और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर का नया लुक, उसमें कलर एक बहुत ही शानदार आया हुआ है ये वाला कलर, ठीक है। तो एक इसके अंदर ये हो गई और एक आपको ये GT 650 ये जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो वाली, ये युवाओं में बहुत काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलर है। और उधर वही आज जैसे मैं टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से बात कर रहा था तो आपको हिमालयन वो देखो पीछे सेडल वो जो भी सेटअप बॉक्स जो भी लगा हुआ है वो लगा हुआ है क्योंकि मैं इतना टूरिंग वगैरह करता नहीं। और उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा टूरिंग करनी है, बहुत लंबे से लंबे सफ़र को तय करना है तो उसके लिए आपके सामने ये मीट्योर 650 सुपर मीट्योर 650 ये बहुत आरामदायक बाइक है और ये रोड पे चलने के लिए ही है, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। फिर अगर आप उसके थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो शॉटगन आपके सामने खड़ी है, ये भी आप सिटी राइड के हिसाब से ही कर सकते हैं। ये रोड पे चलने वाली बाइक ही है ये दोनों, ठीक है, और वो भी शायद तक। बाकी आप अगर ऑफ रोडिंग छोटा मोटा ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं तो ये फन टू राइड बाइक है ये, और बाकी पूरा एडवेंचर बाइक तो इधर है, ठीक है। इन सब की प्राइस और इनके सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं तो आप जाके रिव्यू देख लीजिए। और किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्लो का आउट अटैक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे रखे, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।